चार रुपये पार्ले जी लिए हैं और अभी पार्ले जी ले जाके अपनी माँ को खिलाएंगे। अब देखिए इसका क्या असर होता है या क्या गलत है या क्या सही है। पार्ले जी खाने से मतलब अच्छा रहेगा। बिहार के सीतामढ़ी जिले में जितिया के पर्व से जोड़कर एक अफवाह बहुत ही तेजी से फैल रहा है। लोग एक दूसरे से ये अफवाह बांट रहे हैं कि घर में जितने भी बेटे हैं उन सबको पार्ले जी बिस्किट खाना है और अगर ऐसा नहीं किया तो उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पूरे जिले भर में ये अफवाह बड़ी ही तेजी से फैल रही है। इस अफवाह के कारण दुकानों में पार्ले जी बिस्किट गायब हो चुका है। लोग आनंद फानन में अलग अलग जगह से बिस्किट खरीदे जा रहे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ढेग, नागपुर, डुमरा, बाजपटी, मेजरगंज समेत कई प्रखंडों में ये अफवाह बड़े ही तेजी से फैल चुका है। इस अफवाह के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ये अफवाह कब और कैसे फैली ये अब तक पता नहीं चल सका है। इस अफवाह के कारण पार्ले जी कंपनी को भी खूब मुनाफा हो रहा है। मार्केट में पड़ा हुआ आधा स्टॉक एक दिन में खत्म हो चुका है। इस संबंध में कंपनी के पक्ष से जब जानने की कोशिश की गई लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब सामने नहीं आया है। परिमल कुमार ने कहा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इस दौर में हमें अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ये बेहद ही हास्यास्पद अफवाह है। लोग शांति बनाए रखें और अफवाह पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले में जब से ये खबर तेज हुई है कि पार्ले जी बिस्किट खाने से उनके बेटे सुखी रहेंगे और उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, हर दुकान में पार्ले जी बिस्किट मिलना मुश्किल हो चुका है। हालांकि लोग इसे अंधविश्वास बता रहे हैं। सीतामढ़ी से सत्यम व्याहुत की रिपोर्ट। पार्ले जी का अफवाह हल्ला हुआ या क्या हुआ, वितरण ज्यादा शुरू होने लगा पार्ले जी का, हमने पूछा क्या बात है कि पार्ले जी की बिक्री होने लगा। तो वो लोग बोले कि जो जितिया पर्व किए हुए हैं उसका बेजा को लड़का है तो पार्ले जी खिलाना है, तो इसी पर ज़्यादा वितरण होने लगा, पूरा अफवाह उठ गया पूरा। तो हम लोग तो व्यवसायी है, हम लोग तो जो मांगेगा तो देवे करेंगे, पार्ले जी दूसरा कोई बिस्कुट नहीं, खाली पार्ले जी है। अभी आपके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है? स्टॉक में अभी है 2 पीस माल बचा हुआ है, सब खत्म हो गया, सब खत्म है। पार्ले जी लाने आए हैं क्योंकि अभी से कुछ ही देर पहले अपने घर से दुकान से घर पे आए हैं तो पता चला है कि माँ बोली है कि जाओ पार्ले जी दुकान से लाओ। इसी के लिए हम पूछे हैं कि किस लिए, तो मम्मी बोली है कि जो लोग जितिया किए हुआ है तो उन लोगों को है ना अभी पार्ले बेटा है ना माँ को पार्ले जी खिलाएगा। अब ये बात सही है कि गलत है ये तो हम नहीं पता है। हम भी कुछ विषय का चर्चा मेरे मोहल्ला में भी बना हुआ है, बहुत लोगों से पूछे हैं तो सभी लोगों का कहना यही था कि ये बात सच है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमको नहीं पता है। और मम्मी मेरी जब भी हम दुकान से आए हैं तो मम्मी बोली है तो इसलिए हम पास के दुकान पे आए हैं, अपना 4 रुपये पार्ले जी लिए हैं और अभी पार्ले जी ले जाके अपनी माँ को खिलाएंगे। अब देखिए इसका क्या असर होता है या क्या गलत है या क्या सही है ये तो कल ही पता चलेगा, मगर लोग जैसा बोले हैं वैसा हम लोग किए हैं। क्या खरीदने आए हैं आप लोग? पार्ले जी खरीदने आए। क्यों पार्ले जी खरीदने आए? खाने के लिए। क्या कुछ बात आया है जो आज पार्ले जी खरीदे हैं? बात यही आया है सो मतलब कितने लोग जितिया पर्व में किया है ना, कितने लोग बोला, एक आदमी ने बोला था उसको मतलब पार्ले जी खाने से मतलब अच्छा रहेगा, इसलिए आप लोग पार्ले जी खरीदने हैं। इसलिए आप पार्ले नहीं खाने तो हानिकारक हो सकता है।